हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज बहुत एनर्जी है, बहुत एक्साइटेड हो क्योंकि अभी अभी मैसेज आया मुझे कि आपका शूट है। एसुस आरओजी ने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम है एलाइट। उसमें मतलब पीसी, गेम, टीवी, कंप्यूटर सब कुछ उसके अंदर है। कुछ तो मैं तब हुआ जब पता चला कि आज मेरा क्रिकेटर के साथ है शूट, और वो क्रिकेटर का नाम है सूर्य कुमार यादव, स्काई चीचा, उनके साथ शूट है। बचपन में मुझे हमेशा कभी बॉलिंग नहीं मिलती थी, कभी बैटिंग नहीं मिलती थी, कुछ नहीं, बस फील्डिंग खड़े रहो। क्या पता था कि आज वो लड़का एक क्रिकेटर से मिलेगा। ओह सुपला शॉट, तो मजा आने वाला है। मेरे पास टाइम नहीं, मुझे एक घंटे में पहुंचना है। तो गाइस चलते हैं, नीचे हो रही है बहुत तेज बारिश, तो ये जो कैमरा इसको मैं यहीं रख देता हूं क्योंकि भीग जाएगा भाई, 2.5 लाख रुपए मेरे नुकसान हो जाएंगे। बाकी का जो व्लॉग है वो होगा फोन से शूट। तो चलते हैं, शुरू करते हैं हमारी आज की जर्नी, लेट्स गो। आज मेरे को ऐसे जाना पड़ रहा है क्योंकि बारिश हो रही बहुत तेज और कैब आ गई है मेरी। आज मतलब सुबह सुबह बारिश हो गई, पहली बार ऐसा हुआ कि अभी जो मेरी कैब थी वो हमेशा थोड़ा बिल्डिंग से आगे आती है, मैं भाग भाग के आया और बैग जो है ये वाला इसने मुझे थोड़ा सा बचा लिया, वरना मैं पूरा भीग जाता। मैंने चलो कैब में ही बैठते वहीं इंट्रो देते, क्योंकि आज बड़ा दिन है, बड़ा शूट है। पहली बार मैं कोई क्रिकेटर से मिल रहा हूँ रियल लाइफ में। एक बार मैंने यूसुफ पठान और इरफान पठान दोनों भाइयों को मैंने यहाँ देखा था अपना लंदन में, जब मैं था 2.5 महीना वहाँ पर मैंने देखा था। मैं था लंदन में तो वहाँ पर उनको देखा, तब मैं मतलब बहुत ही इंट्रोवर्ट लड़का था। अभी तुम देख रहे हो मैं पूरा एक्सट्रोवर्ट हो चुका हूँ। आज मैंने पहली बार कॉफ़ी नहीं पी है, मैं डायरेक्ट मतलब नहाया, फ्रेश हुआ, ये कपड़े पहने और मैं आ गया, क्योंकि मैंने शॉपिंग भी नहीं की, टाइम ही नहीं मिला मुझे। धीरे धीरे बारिश हो रही है लेकिन मेरे को थोड़ा सर छुपाना पड़ रहा है। ये फ्यूचर स्टूडियो ही है ना। जब मैं लोकेशन पे पहुंचता हूँ सबसे पहले मिलते हैं रोहन भाई। मेरे को कंफ्यूज्ड इमोशन नहीं समझ रहा है। कंफ्यूज कंफ्यूज, अच्छा कैसे करने का? अच्छा है, एक्साइटेड हो तो कैसा करोगे? कंफ्यूज्ड, सैड, एकदम इमोशनल, ब्रेकअप हो गया। अरे तो अभी जो है मेरे को चमका दिया एकदम यहाँ पर, मतलब शूट है तो मेरा मेकअप जरूरी है। नहीं लिपस्टिक थोड़ी लगाई है। हाय, तो उन्होंने मेकअप किया हम लोगों को, मेकअप डन एंड देन अब चाहते हैं शूट करने। ये कैमरा जो है इसके अंदर क्या होता है? फुटेज? नहीं नहीं नहीं, ये इतना बड़ा कैमरा जो इसके अंदर छोटा कैमरा होता है, ये कैमरा अलग ही आता है। This is not a big camera, bro. This is... So what camera do you use? Yeah, अंदर कौन सा कैमरा है? This is a Sony FX9. अच्छा FX9 है? Yes. Oh. Because मैं भी जाता था ना एड्स वगैरह शूट में, तो मैं बहुत कंफ्यूज रहता था, मुझे लगा कि ये कैमरा होता है पूरा इतना बड़ा। बैटरी कैमरा, it's all one. सब कुछ है इसके अंदर? Yes. तो लिटरली हम लोग को एप्रोन पहनाया है, रीजन ये कि टी शर्ट जो है खराब नहीं होनी चाहिए। कैसे लग रहे हैं हम लोग भाई? बहुत नंबर 1। नंबर 1 बोल रहे क्या? आज गाइज मेरी एनर्जी थोड़ी डाउन है क्योंकि मैं 2 घंटा सोया। आप कितना घंटा सोए हो? हम तो 12 घंटा सोए। अरे अम्मा कसम, 12 घंटे, जिस दिन 12 घंटे सो लूंगा। अच्छा ऊपर आया, ऊपर आया है, नीचे लेके चलो, क्या बात है। हेलो सर, कैसे हो आप? सही हो? आप कितने घंटे सोए? 8-10 घंटे। अरे भाई ये कैसे सो रहे हो 8-10 घंटे? और आप? मैं 5 घंटा। 5 घंटा? मैं 2 घंटा यार, सबसे कम मैं सोया। मतलब नींद जरूरी है ना? हाँ नींद तो जरूरी भाई, चार्जिंग मशीन है, चार्जिंग मशीन है। चार्ज नहीं होएगा तो अपना सर दुखने लगेगा, नींद आएगा, सुस्त रहेंगे। अभी मेरा गेम नहीं चल रहा। एक्टर हो तुम्हें तो आज नींद की जरूरत थी। हाँ यार फेस पे कैसे दिखेगा तुमको? हम लोग को वैनिटी वैन दिया, हम लोग लंच करने आए थे तो मैं लगा वैनिटी वैन भी दिखा देते। ये है अपनी वैनिटी वैन, वैनिटी वैन वैनिटी वैन के हिसाब से आलीशान आलीशान है वहाँ पर। और एक 2 BHK, पूरा 2 BHK वहाँ पर भी हो, देखो पूरा 2 BHK। ओ ये बढ़िया लग रहा है ना, ये है ना लाइक कलर स्कीम और ये सब देखो एकदम वही तो लाविश लग रहा है। घर नहीं है बॉस, दिला दूंगा। कांटेक्ट करो, 2 BHK चाहिए, गाड़ी में मूवेबल, बॉस दिला दूंगा, आइए। मस्त है, बस सेक्सी लगता है यहाँ पर ना। वॉशरूम भी अच्छा है यहाँ पर, सब कुछ है। और सोते होते इन लोग जाते भी होंगे अगर इन लोगों को ट्रिप पे जाना होता है। ऑफ कोर्स जा सकते हैं, बट मेनली तो इसको रुका के यूज करते हैं।
सो भाई घर लेने से अच्छा मैं वैनिटी वैन खरीद लेता। काफी लोग रहते हैं ना, क्या बात कर रहे हो, अलाउड है रोड पे? यूएस में लोग आरवी के अंदर रहते हैं, उनका इंडिया में अलाउड है? इंडिया का पता नहीं, बाहर तो रहते हैं। यार पता लगा तो 2 BHK एक गेमिंग रूम बना लूंगा। इंटरनेट कहाँ से लाओगे? इंटरनेट आजकल सब अवेलेबल है भाई। इंटरनेट कौन दिलाएगा तुम्हें? हाँ, ये तो आप कमेंट करके दिलाओगे मुझे। और यहाँ पर मैं देखता हूँ गर्मा गर्म खाना, और मैं हमेशा बोला है कि खाने में शर्माने का नहीं। आइए पूछते हैं, पता करते हैं क्या है खाने में। गर्मा गर्म है रोटी, अभी ठंडा है, ये तवे पे गर्म नहीं हो रहा है? ओए होए, गर्मा गर्म खाना, बहुत भूख लग रही थी, मजा आ गया। यहाँ पर सब्जी है, ये है पापड़, दाल चावल रोटी, प्रॉपर एकदम एक मील है। बचपन में मैं जाता था और मेरी मॉम, लाइक आपको पता ही होगा, मम्मी के साथ मैं शूट पे आ रहा था और वहाँ पर शूट का खाना मैं कभी नहीं छोड़ता था। मम्मी घर से टिफिन लेके जाते थे, बट शूट का खाना इतना अच्छा होता था, मजा आता था। क्योंकि मैं पहले प्रोडक्शन हाउस में काम करता था, संजीला बंसाली प्रोडक्शन, तो वहां पर मैं हमेशा शूटिंग का खाना खाता था। अब यहाँ पर मैं मजे लेके खाना खा तो रहा हूँ, बट यहाँ पर मेरे मन में सवाल अभी भी मुझे तड़पा रहा है कि भाई स्काई भाई से मिलेंगे कब, मिलेंगे कब, मिलेंगे कब। मेला अब तो कुछ करना पड़ेगा। स्काई इज यार सूर्या कुमार यादव, उनके आसपास बहुत ज्यादा लोग हैं, उनकी जो पर्सनालिटी है भाई खतरनाक है भाई। ऐसे टैटू है हर जगह, टैटू इधर, टैटू इधर, टैटू बहुत सारे। डर लग रहा अप्रोच करने, मतलब अप्रोच करने, हम मेरे को भी डर लग रहा है, भाई को भी डर लग रहा है। मैंने बोला रोहन भाई कर लो यार जाके व्लॉग के लिए, तो उनके आसपास बहुत ज्यादा लोग हैं, फ्रेंड्स भी हैं, उनके फ्रेंड्स भी आए हैं। मैं ट्राई करूंगा कि बस 2-5 मिनट एक आ जाए स्काई भाई यार। बहुत पहले जब व्लॉग नहीं बना था, सैफ अली खान खड़े थे, मैं सामने से आके उनको हाथ मिला और हग कर लिया था मैंने। मैं हूँ एक्सट्रोवर्ट, बट आज थोड़ा सा 19-20 लग रहा है, क्योंकि क्रिकेटर को मैं फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ रियल लाइफ में भाई। मैं देखा भाई लंबा चौड़ा ऐसा मेरा भाई, लेकिन बहुत कूल है, वाइब बहुत अच्छी है, मतलब हाँ इज वेरी कूल। और मेरे नाम से बुला रहे गुलरेज, रोहन गुलरेज, और हंस रहे भाई। पूरा पॉपकॉर्न का एक शॉट था, बोले पूरा पॉपकॉर्न खा गया तू यहाँ बैठ के? बोला हाँ हाँ, देखते चलो ट्राई करते हैं। So, अब बारी आ गई थी स्काई सर से मिलने की, और मेरा दिल यहाँ पर एकदम धक 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 ऐसा मान ले रहा था। मैं क्या करूँ क्या करूँ, क्या बात करेंगे कैसे करेंगे? क्यों देखो बॉलीवुड स्टार से तो मैं मिल चुका हूँ, बट ये मेरा फर्स्ट टाइम था लाइफ का कि मैं क्रिकेटर से मिलने जा रहा हूँ। और पहले मुझे क्रिकेटर बनना था, बहुत पुरानी कहानी है, कभी दूसरे ब्लॉग में समझाऊंगा। तब मैंने बोला कि कुछ तो मतलब दिमाग में क्या पूछूं ऐसा ऐसा, क्योंकि उनके आसपास बहुत सारे लोग थे। अब मैं बोला कि नहीं यार चल गुलरेज शुरू हो जा, तू एक्स्ट्रोवर्ड है तू कर सकता है। मतलब ठीक है चलो, बट वहाँ पर शूट चालू हो रहा है, कभी डायरेक्टर साहब बुला रहे, कभी मतलब चलो कुछ तो मौका मिलेगा। बट फिर उनका शूट में इतना घुल मिल गया कि वो मुझे अपने नाम से बुला रहे गुलरेज, और भाई गुलरेज ऐसा मेरा स्काई भाई। फिर मैंने उनसे क्वेश्चन किया कि ये सुपला शॉट जो है ये कैसे फेमस हुआ और कहाँ से इन्वेंट हुआ, पहला कब मारा था आपने? तो उन्हें बोला कि ऐसे ही मैं ग्राउंड में आड़े तेड़े शॉट मारता हूँ, तो मैंने ऐसे ही उल्टा ऐसा सुपला शॉट मार लिया था। तब वहाँ पर एक ग्राउंड में हमेशा एक अंकल हुआ करते थे, जो जब भी पवेलियन पे जाता था तो वो अंकल बोलते थे आउट हो जाना सूर्या कुमार, बट एक सुपला शॉट जरूर मार के आना। तो वहीं से मतलब वो मेरा सुपला शॉट हिट हुआ। फिर सेकंड सवाल मैंने उनसे पूछा कि आपके बॉडी में इतने टैटू है, अब क्या प्लान है, आप कौन सा पार्ट भाई छुटा हुआ? तो उन्होंने बोला कि इधर राइट शोल्डर पे कहीं है ये बचा हुआ, यहां पर टैटू बनाऊंगा। तो बहुत अच्छा लगा यार उनसे मिलके, मतलब ऐसा लगा कि भाई ऐसे दोस्त यार बैठे हुए और इतनी अच्छी वाइब थी तो पता ही नहीं चला। और वहां पर मतलब ऐसा था कि फिर मोबाइल हमने साइलेंट रख दिए थे और ऐसा निकालने का मौका ही नहीं मिला। तो ये थी हमारी जो है ब्लॉग की कहानी, बहुत मजा आया यार, ट्रस्ट मी यार, मिलने के बाद इतना छाती ऐसा चौड़ा हो गया। बाकी ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं आगे, जो शूट में क्या क्या हुआ और क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ हमारे रोहन भाई डायरेक्टर के साथ। आओ, सुबह कितने बजे आए थे? सुबह आए थे 10 बजे। 10 बजे, और 10 बजे से आए और अभी बज चुके हैं, अभी भी 10 बजने वाले, 10 बज रहे हैं, 10 बजे हो चुके हैं। 12 घंटे की ड्यूटी हमने दी है एक सेट पे, तो और क्या किसके लिए, एक 60 सेकंड के रील के लिए। क्या बात है, आई गेस 60 सेकंड की होगी ये, 60 सेकंड की रील है ना, 60 सेकंड की, तो कितनी मेहनत लगती है रील शूट करने। स्काई भाई इधर बैठे हुए थे शूट में और वो हम लोग को छोड़ के चले गए, कंपनी नहीं दे रहे। बहुत याद आ रही है स्काई भाई। स्काई भाई की याद आ रही है भाई, बहुत मतलब बहुत फन है, बहुत फनी है और हंसा रहे थे मतलब हम लोगों को। हाँ चलो स्टार्ट, अभी लास्ट टेक है हमारा, इसके बाद हम घर जा रहे हैं। ऑलराइट गाइस, सो शूट डन, पैक अप। ये रहे हमारे जो प्रोड्यूसर है, सब प्रोड्यूस किया इन्होंने, प्रोडक्शन है ये, हमारे डायरेक्टर साहिबा, इतना अच्छा इन्होंने डायरेक्ट किया, थैंक यू सो मच, मेरा कीड़ा निकाल दिया आपने एक्टिंग का पूरा। वहाँ पर हमारे अनाब भाई,
द आरओजी मैन, कैसे हो भाई? खतरनाक, थैंक यू सो मच, मजा आया। चलो रोहन लल्ली लडवानी भाई, बोलो यार। चलो भाई 12 घंटे इज्जत, थक गए ना, हर कोई थक गया भाई, नहीं देख सकता नहीं। That's it, निकलते हैं, खत्म हो चुका है, घर जाते हैं क्योंकि मर्जीना और माजिन 3 दिन बाद आ रहे हैं, 3 दिन बाद। ओहो, मैंने अभी आरोजी के शूट कर कह रहा हूँ, वो यही था, उनको मैंने बोला था कि भाई ये प्रोडक्ट भेज दो, उन्होंने भिजवा भी दिया, क्या बात है। हाँ क्या माजिन, ये तुम भी यूज कर सकते हो, पता इसमें तुम इसमें YouTube चला सकते हो, ये पूरा कंप्यूटर है, वो डैडी का कंप्यूटर पे आप नहीं आ सकते ना, आप ये लो, ये देखो यहाँ से आपको ऑन करना है, ठीक है, ये हो गया ऑन। तो अच्छा खोलने तो दे, बताने तो दे मुझे, लाओ इसमें सब कुछ है, बता इसमें, ये देख, अच्छा ले लो इसमें पीसी, पूरा पीसी जो दिखता है वो ले लो माजिन खुश, ये। Alright, so हम घर पे आ चुके अपने सेटअप पे, और ये था जिसका हम शूट करने गए थे, Asus ROG Li, बहुत ही क्रेजी प्रोडक्ट है, ट्रस्ट मी, मुझे बहुत पसंद है क्योंकि सारे पीसी के गेम इसमें है और पूरा पीसी है ये। इसमें एक चीज अच्छी है, जो स्टीम है पूरा इसमें दिया हुआ है, स्टीम के जितने भी गेम है आप पूरे डाउनलोड कर सकते हो, प्लस मैंने अभी Tekken 7 डाउनलोड किया और इसकी ग्राफिक देखो, देख रहे हो आप लोग, क्रेजी भाई। अब इसमें थोड़ा खेलते हैं और बता दूं, मतलब मैं इंडिया को रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, मुझे बहुत पसंद आया ये डिवाइस, आप भी ले सकते हो, बहुत ही मजा आया, क्या ही शूट था, स्काई भाई जो ही एकदम, मतलब ऐसा लगा के दोस्त यार मिल रहे, बहुत ही प्यारे बंदे, डाउन टू अर्थ, बट मौका नहीं मिला कि भाई ऐसा सेल्फी वाले ब्लॉग बना, बट मैंने जितना भी हो सके आपको दिखाया है। अब जो है एक और गुड न्यूज है, अब मैं जा रहा हूँ 2 क्रिकेटर से मिलने, अब आपको गैस करना है कौन से 2 क्रिकेटर से, नेक्स्ट ब्लॉग आएगा आपको, ठीक है, तब तक आप लोग कमेंट में बताओ मुझे, गेस करो, ठीक है, तो मैं अलविदा लेता हूँ, बाय बाय, यही था आज का व्लॉग, आई होप आपको पसंद आया होगा, और ऐसे ही धीरे धीरे सपने हम पूरे करते रहेंगे। बाबू बाय बोलो सबको, बाय बोल दो, यही कर दो, बाय बोलो सबको, ये लो आपका डिवाइस, ये लो क्या देखा, पकड़ो, क्या खेलोगे आप, हाँ खाली उस को बटन दबाना, ठीक है, इसमें सब पता उसको कैसे कैसे क्या करना है, देखो इसमें ना कोको मेलन देखोगे, जाओ मॉम दिखाएंगे आपको कोको मेलन, जाओ कोको मेलन, तो माजिन तो कोको मेलन देख रहा है, और आप क्या कर रहे हो, आप ये ब्लॉग तो देख लिया, अब आपको लाइक कमेंट और शेयर कर सकते हो, शेयर करो, सब्सक्राइब, लाल बटन तोड़ दो, लव यू ऑल एंड स्टे किर्राक, बाय बाय, रुको, हाँ इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, पता है मेरे को, चलो बाय बाय।